नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत आज जो है 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लगभग 96 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वहीं बचे हुए 3 चरण का चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। तमाम दलों के शीर्ष नेता अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी एक बार फिर से बिहार पहुंच गए हैं, जहां वो सारण लोकसभा सीट छपरा में बीजेपी कैंडिडेट राजीव प्रताप रूड़ी के लिए रोड शो कर रहे थे। पीएम के रोड शो को लेकर सारण में आरजेडी उम्मीदवार और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। रोहिणी आचार्य ने कहा कि नरेंद्र मोदी अंकल कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो यह बेटी भी छपरा में ही है, इस बेटी को भी थोड़ा बढ़ाइए, बेटी के लिए प्रचार कीजिए। चलिए चाचा भतीजी लोग मिलकर चाय पीते हैं, सारण में मिठास घोलते हैं, जो उन्होंने वादा किया था कि मढ़ौरी में चीन मिल खुलेगा, तो चलिए हम सब मिलकर चाचा भतीजी जो हैं उसी पर चर्चा करें। जी हाँ, बात करें तो मेरे लिए प्रचार करेंगे पीएम मोदी, तंज भरे अंदाज में पीएम मोदी से खुद के लिए प्रचार करने का अनुरोध करते हुए रोहिणी आचार्य ने कहा कि हम चाह रहे हैं कि वो मेरे लिए भी प्रचार करें, रोड शो करें अपनी बेटी के लिए। बोलते हैं ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये भी बेटी ही है, इस बेटी के लिए कब करेंगे? बेटा के आगे बेटी लोग नहीं देख रहे हैं, ये बेटी को बढ़ाओ कहते हैं, लेकिन भाजपा में एक भी बेटी को इन्होंने टिकट देने का काम नहीं किया है, तो यह बेटी खुद यानी कि तो इसके लिए प्रचार करना चाहिए। बता दें कि लोकसभा चुनाव में सारण लोकसभा सीट के लिए छठे चरण यानी कि 20 मई को मतदान होने वाला है, जिसके लिए 26 अप्रैल को सारण में नामांकन की शुरुआत हुई है। इस सीट से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य कुछ समय पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर लिया है और इनकी लड़ाई 2 बार के सांसद राजीव प्रताप रूड़ी से है। लेकिन जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने खूबसूरत अंदाज में पीएम मोदी को लेकर बातें कही है, उस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या सारण में रोहिणी आचार्य कैसी फाइट दे रही हैं, बताइए। धन्यवाद।